नमस्कार दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, राधिका आप्टे और भी बहुत सारे एक्टर्स। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका नाम है वसंत बाला। अब दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो अभी रिसेंट टाइम में देखी हुई मेरी वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनिंग मूवी मैं इसे कहूंगा। मजा आ गया, ये मूवी को देखने के बाद एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी। बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है मोनिका। उसके दो तीन बॉयफ्रेंड होते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो बच्चा किसका है वो पता नहीं होता है, मोनिका सबको ब्लैकमेल कर रही होती है। तो वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि मोनिका को कैसे भी करके मारे। अब उसमें कुछ गलतियां हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है क्या हुआ है। अब फिल्म आगे क्या लेके जाएगी और ये लोग बच पाएंगे या नहीं, यही इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। इस फिल्म को देखते वक्त मुझे लूडो फिल्म की याद आ रही थी। लूडो फिल्म में कैसा कुछ अलग ही डायरेक्शन आपको देखने को मिला था, तो इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ अलग ही लेवल का डायरेक्शन है। इस फिल्म की जो एडिटिंग हुई है ना दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एडिटिंग हुई है। शुरुआत से लेके अंत तक ये फिल्म मुझे बांध के रखती है। 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की ये फिल्म है, लेकिन मैं कहीं पे भी बोर नहीं हुआ। शुरुआत से लेके अंत तक इतना एंगेजेबल ये फिल्म थी, मज़ा आ गया। और शुरुआत के 10 मिनट में तो आप फिल्म से जुड़ पाओगे और इतने फास्ट पेस में ये फिल्म चलेगी। फर्स्ट हाफ तो इतना एंगेजिंग है मैं क्या ही बताऊँ। फिल्म आपको अलग करने का मौका ही नहीं देती है। फिल्म में बहुत सी जगह पुराने म्यूजिक का एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है, जो उस सीन को कुछ अलग ही लेवल पर ले जाता है। लूडो फिल्म में भी ओ बेटा जी, ओ बाबूजी वो सा गाना चल रहा था। इस फिल्म में भी मोनिका वाला गाना चलता रहता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, 2 घंटे में पेट पकड़ के ऐसा हंसा हूँ ना दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी कॉमेडी थी फिल्म में, इतनी कॉमेडी थी कि आप रुक ही नहीं पाओगे, आपकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। कुछ कुछ सीन पे तो इतनी हंसी आ रही थी यार, मैं पॉज कर रहा था, यार अभी रुक जा हंस लेने दे, ऐसा हो रहा था। जब राजकुमार राव और हुमा कुरैशी की एक फाइट आती है, वो सीन पे मैं इतना हंसाऊं दोस्तों, इतना हंसाऊं, वो रिपीट कर करके देखा है मैंने यार। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था राजकुमार राव ने यार, मजा आ गया। मतलब कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि यार राजकुमार राव दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ अच्छी फिल्में दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन यार क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने इस मूवी में, क्या ही बताऊं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव। बाकी सभी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस भी इतना लाजवाब है, वो अपनी आंखों से और फेशियल एक्सप्रेशन से एक्टिंग करते हैं, मजा आ गया। फिल्म में कुछ कुछ जगह पे सस्पेंस रखने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, तो मेरे लिए वो सस्पेंस इतना मैटर नहीं करता था। लेकिन पूरी फिल्म ने मुझे ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करवाया और ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएगी और मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म आप जरूर से देखेगा। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म को दूंगा 9 out of 10 stars। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।